रमतेराम रोड पर स्थित है आईसीटी टेस्ट ऑफ इंडिया। ये दुकान यूँ तो चॉकलेट की है, लेकिन ये अपने कस्टमाइज और अपने हैंडमेड चॉकलेट के टेस्ट के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन को देखते हुए इस दुकान पर कई सारे नए नए स्टॉक और वैरायटियां उपलब्ध है। आप अपने बहन या भाई के रिश्ते में मिठास घोल सकते हैं और उन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव सरप्राइज भी दे सकते हैं। कस्टमाइज चॉकलेट होने में टाइम लगता है, ऐसे में आपको ऑर्डर पहले से देना होगा। क्या है इनकी रेंज और मार्केट में क्या डिमांड है, सुनिए शॉप की ओनर से। सर आजकल क्या है, ज़्यादा लोग स्वीट्स तो लाइक करते नहीं हैं, स्पेशली बच्चे कम खाते हैं, तो चॉकलेट्स कोई डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में कस्टमाइज करके बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और उनके हेल्थ को देख के, सब हैंडमेड काम है यहाँ पे और डिज़ाइंस तो आप देख ही रहे हैं, उनको देख के सब लाइक भी करते हैं। इसमें 50 फ्लेवर्स मैंने खुद लॉन्च किए हैं और स्पेशलिटी ये है कि कोई एसेंस नहीं यूज़ करती मैं, मेरी चॉकलेट्स में ओरिजिनल फ्लेवर्स मिलेंगे, जितने भी फ्लेवर्स हैं हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और छोटे तो छोटे बड़े भी लाइक करते हैं। तो अगर हम बात करें, बच्चों में काफ़ी क्रेज होता है फेस्टिवल्स का, उनके लिए इस राखी में आपने किस तरीके से डेकोरेटेड किया है चॉकलेट को? सर बहुत सारे हैं डिज़ाइंस, तो जितना मैं दिखाऊंगी उतने कम है, आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि आप पैक देख रहे हैं, बच्चों के लिए क्रेयॉन्स कलर्स हैं, रेजर्स हैं, बड़े सब चॉकलेट्स में हैं। और भी मैं आपको डिज़ाइंस दिखाती हूँ, इस कॉइंस वगैरह, इससे भी अच्छा डिज़ाइन सर आप इधर कैमरा कर सकते हैं। तो ये बताइए इनकी प्राइसिंग क्या रहती है सिमरन जी, अगर हम बात करें तो? सर प्राइस तो ज़्यादा नहीं है, अगर आपको ज़्यादा से बड़ा हैम्पर चाहिए तो प्राइस उस पर बढ़ता है, ज़्यादा नहीं है। जैसे ये वाला बॉक्स इसमें यूनिक है, इस फेस्टिवल पर नया लॉन्च हुआ है। इसके साथ आपको राखी भी गिफ्टेड है, रोली टीका भी है, कोई भी राखी आपको नॉर्मल नहीं मिलेगी, सारी एंटिक राखी, आप देख सकते हैं राखी की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कस्टमाइज किया हुआ है। इसके साथ इसकी आप ज़्यादा डिमांड देख रही है और ज़्यादा अभी क्या खरीदा जा रहा है राखी को लेकर आपकी दुकान? सर डिमांड तो सभी चीज़ की है, जितनी भी डिज़ाइंस हैं, कोई भी मेरी नई बैलेंस बजती सा, क्योंकि जितने पर्सन, सबको अलग अलग चॉइस है, किसी एक की कोई चॉइस नहीं है, जिसको जो पसंद आता है ले लेते हैं, अगर कुछ उन्हें और बनवाना होता है तो कस्टमाइज़ करवाते हैं। जैसे इस प्लेट के कम से कम 20 पीसेस के ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे पास, राखी के दो दिन पहले इनको पिक करेंगे, काफ़ी ऑर्डर्स आ चुके हैं, आधा स्टॉक तो मेरा ऑलरेडी बुक हो चुका है। और ऐसा नहीं कि मैं चॉकलेट्स बना के रखती हूँ, मेरा यहाँ स्टॉक ख़त्म होता है, मैं बनाती जाती हूँ, मैं कोई भी स्टॉक अपना बना के स्टोर नहीं करती। तो आपको कितना समय लग जाता है एक राखी स्पेशल चॉकलेट बॉक्स तैयार करने में? सर कम से कम 2-3 घंटे तो चाहिए, क्योंकि एक पीस नहीं बनता है ना, एटलीस्ट कम से कम 2-3 बॉक्सेस एक साथ बनते हैं, कि उनको बनाना, उनको सेट करना, फिर उनकी पैकेजिंग, फिर डिज़ाइनिंग उस बॉक्स में। सबसे बड़ी बात होती है बॉक्स तो सिंपल आते हैं, उसको कस्टमाइज़ कैसे करना होता है वो हमें देखना होता है मेन। कई ऐसे भी बॉक्सेस है जिसमें रोली भी है, कलावा भी है और चॉकलेट भी है? हाँ जी बिल्कुल, सब में। आप कोई भी हमारे फेस्टिवल को देख के कोई भी बॉक्स लेंगे, उसके साथ आपको राखी भी मिलेगी, रोली, टीका, कलावा सब मिलेगा। जैसे अभी कुछ बच्चों के लिए मैंने लॉन्च किया है, ये अभी से ही सेल आउट होना शुरू हो गया, काफ़ी बच्चों ने लिया, बच्चों के लिए हैप्पी राखी। इसमें मैं रिबन भी कर सकती हूँ, बट मैं रिबन नहीं कलावा यूज़ किया है, क्योंकि एटलीस्ट अगर बच्चों ने हाथ में बांधा भी, चॉकलेट खा भी ली, कलावा तो हाथ में है ना, वेस्ट नहीं है।